Subscribe and click the bell icon for all the television updates. Okay, तो सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे पहला कदम के लॉन्च पर आए कितनी एक्साइटमेंट है। हमने भी अपने रिश्ते के बाद पहला कदम उठाया है निवी के इस इवेंट के लिए एंड एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स बिकॉज ललित दालमिया उन्होंने डिज़ाइन किए बहुत खूबसूरत लहंगाज एंड कपड़े और विंध्या जब मैं शूट के पिक्चर्स देख रहा था तो शी इज़ लुकिंग वापस प्यार हो गया मुझे तो आज मैं चाहता हूँ मैं विंध्या जी से फिर से प्यार करने लगूँ नए तरीके से। ऑफ कोर्स मिलेंगे क्योंकि निवेदिता बासु पहली बार इन्होंने मुझे इसमें डायरेक्ट किया है एंड उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से मुझे पेश किया है। ललित डालमिया ने बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया हुआ लहंगा मुझे पहनाया है तो खुशी इस बात की है कि जब आपकी बेस्टी जो आपकी बहुत खास दोस्त हैं और आपकी फैमिली है वो एक प्रोफेशनल एम्बियंस में हम जाकर क्योंकि हम क्रिकेट के दौरान मिले थे और फिर हम फैमिली बन गए और फिर उसके बाद आज पहली बार हम ऐसे काम कर रहे हैं प्रोफेशनली लाइक दिस सो डेफिनेटली आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट और जिस तरह से रिजल्ट आया एंड एवरीबडी बीन कॉलिंग मी मैसेजिंग मी एंड ऑफकोर्स नाउ निवी को ये पहले से जानते थे बट नाउ ही हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एज वेल सो या दिस ईयर 2019 लुक्स वेरी वेरी ब्राइट टू मी बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज ही इज़ देयर इन माई लाइफ दिस टाइम एंड निवी इज़ माई वेरी वेरी डियर फ्रेंड यू ऑल नो दैट शी इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट सो ऑल माई बेस्ट विशेज टू हर ऑलवेज एंड शी इज़ अ रॉक स्टार एंड वी बोथ आर वेरी वेरी प्राउड अबाउट वट एवर शी हैज़ डन इन हर लाइफ and she's going to do so many big things which we know but we cannot tell you all but keep you know having this whole thing in your head that yeah there is so many good things which Nivi is up to and this association of Pehla Kadam is just a Pehla Kadam you know there will be a lot so more to come Nivi has presented the girl power wo ek inspiration rahi hai Vindhya ke liye aur Vindhya se jitna main janta hu Nivi ke bare mein she's an inspiration फॉर मी टू कोई भी नई चीज़ करने से पहले बहुत रिस्क होते हैं बहुत मेहनत होती है लेकिन फिर भी सबको पार करके कर जाना वो है निवेदिता बासु तो आई एम रियली प्राउड ऑफ निवेदिता बासु दैट शी इज़ कम अप विद दिस पहला कदम और हमारा भी पहला कदम है प्यार में okay, साल खत्म होने आया है और शादियां लेकिन खत्म नहीं हुई है इस साल की अभी तक कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कितने एक्साइटेड हैं अपनी शादी को लेकर क्योंकि जल्दी आप दोनों भी एक होने वाले हैं हम तो सोच रहे हैं कि हर महीने एक शादी करेंगे तो नहीं ये हमेशा मुझे बोलते हैं कि यार शादी बस एक फॉर्मेलिटी है लाइक हमारा तो पहले से ही नाता था और स्वर्ग में रिश्ता हो चुका है बस जमीन पर मंत्र पढ़ना बाकी तो हम बस वेट कर रहे हैं पंडित जी का एंड ऑब्वियसली बहुत खास लोगों को ही बुलाएंगे बहुत कम लोगों को ही बुलाने वाले हैं क्योंकि शादी एक ऐसा फंक्शन होता है जो थोड़ा प्राइवेट सा होता है तो ऑब्वियसली लेकिन हाँ अभी से ही बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि काफ़ी तैयारियाँ चल रही हैं लेकिन अभी तक डेट नहीं आई है क्योंकि पंडित जी काफ़ी टाइम ले रहे हैं मैं सोच रहा हूँ मैं पंडित बन जाता हूँ और मुझे कोई पंडित जी की वो नहीं चाहिए परमिशन तो मैं सोच रहा हूँ मैं वो गोविंदा पंडित नहीं बन जाता किसी फिल्म में तो मैं पंडित बन के खुद ही पहुँच जाता हूँ दाढ़ी मूछ लगा के भाई ये हर पल खूबसूरत लगते हैं इनके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट करूँ बस मैं ये चाहता हूँ कि हम आपने शादी की बात कही तो शादी ऐसी जगह करेंगे हम दोनों जहाँ दूसरा चांद ना निकले एक चांद इतना सेपरेट नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है जस्ट दैट आप सब भी जानते हैं जैसे एज अ पर्सन भी मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हूँ अभी थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली सोशलाइजिंग करना शुरू किया है पहली बार क्योंकि अब ही इज़ देयर विथ मी एंड ऑब्वियसली जो लोग थोड़े इंट्रोवर्ट से होते हैं और शुरू से ही थोड़े से वैसे से रहते हैं वो जब पार्टनर मिलता है या ऐसा इंसान मिलता है जहाँ पर आप अपने आप को बखूबी तरीके से समझा पाते हैं एंड यू कैन बी योर सेल्फ देन दैट्स द मोमेंट व्हेन यू कैन बी यू नो द मोस्ट हैप्पी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ सो दैट्स द रीज़न आई एम अ वेरी शाय पर्सन बट येस फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ नाउ आई फील दैट होल यू नो या स्टॉप लुकिंग एट मी लाइक दिस स्टॉप लुकिंग लाइक दिस मैं क्या करूँ यार नजरें नहीं हट रही है मैं क्या करूँ बताओ मेरी क्या गलती है आप कम खूबसूरत बनी है तो मैं नहीं देखूंगा आपको ओके लास्टली आप दोनों की तरफ से फैन को कुछ मैसेज देना चाहेंगे काफी पसंद करते हैं वो आप दोनों को एक साथ
जी हर कोई जब से हमारा रिश्ता आउट हुआ है तब से थैंक यू. एंगेजमेंट कब हुई है? अभी रोका अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, एंगेजमेंट अभी होने वाली है. जी हाँ, गूगल पे आई थिंक वी वर थर्ड नंबर ट्रेंडिंग, ऐसा कुछ न्यूज़ मैंने भी सुना था. तो बहुत खुशी है कि फैंस ने ऑल ओवर वर्ल्ड से इतना प्यार दिया है. खुशी इस बात की है कि जब भी लोग हमें देखते हैं साथ में तो वो यही कहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं, ऐसा लगता है कि हाँ भगवान ने मेड फॉर ईच अदर. और हमारी जो कुंडली मिली है, आपको भी शायद पता होगा 29.5 गुड मिले हैं जो कि 10,000 कुंडलियों में. प्रॉब्लम है यार, एक्चुअली प्रॉब्लम है बिकॉज एक जैसे हैं, बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं एक दूसरे का. तो जो मेरे दिल में बात चल रही होती है पकड़ लेती है, मैं करूँ क्या, तरीका निकालना पड़ेगा. जी तो यही है कि 30 गुण मिलने का यही मतलब होता है कि यू नो कोई ना कोई चीज़ हम दोनों की बिल्कुल सिमिलर हो जाती है. तो इन अ वे इट्स गुड आल्सो, बट इन अ वे इट्स बैड आल्सो. नहीं बट इट्स गुड एक्चुअली, ओवरऑल इफ वी सी इट्स गुड कि जब आप एक जैसे हो जाते हैं, एक जैसे सोल्स हैं, तो आप एक दूसरे की अनकही बातें समझ जाते हैं. यहाँ तो दुनिया में मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं कहने के बाद भी लोग नहीं समझते. तो दैट्स We are glad that we met each other and अब सारी जिंदगी झेलना पड़ेगा. Shit. जब भी met. झेलना पड़ेगा. Oh. Oh, हनुमान जी. I'll come to you, हनुमान जी. Thank you. Thank you. Thank you so much.